बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप द मीनिंगफुल एसोसिएशन अमंग एंटिटीज। एंटिटीज के दरमियान जो मीनिंगफुल एसोसिएशन है इसको कहा जाता है रिलेशनशिप या रिलेशन एक टेबल को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक टेबल है स्टूडेंट, एक टेबल है कोर्स। अब स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान कुछ रिश्ता तो होगा। अब वो रिश्ता है स्टडी का कि स्टूडेंट कोर्स को स्टडी करता है। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक रिश्ता है, दैट्स ट्रीट्स, डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट। कस्टमर और स्टोर, कस्टमर स्टोर जाता है चीजें खरीदता है। कस्टमर परचेज प्रोडक्ट, तो कस्टमर और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप, तो एंटिटीज के दरमियान जो मीनिंगफुल एसोसिएशन है इसको कहा जाता है रिलेशनशिप। एंटिटी को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि रिलेशनशिप को हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब लेट सपोज एक सिनारियो है, उसमें कुल कितने एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको कहा जाता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। द फर्स्ट वन इज यूनरी रिलेशनशिप, सेकंड वन बाइनरी रिलेशनशिप, थर्ड टर्नरी रिलेशनशिप। तो आए इसमें हम अभी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है यूनरी रिलेशनशिप। यूनरी रिलेशनशिप को हम रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। रिकर्सिव मीन अकाल इटसेल्फ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी पार्टिसिपेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट स्टूडेंट को मैनेज करता है। एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, अ पर्सन मैरिड टू अ पर्सन। तो एक ही एंटिटी अगर पार्टिसिपेट करे और उस एंटिटी का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी के दूसरे इंस्टेंस के साथ अगर रिलेशनशिप रखता हो, इस किस्म की रिलेशन को हम यूनरी रिलेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप में दो एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैनेजर मैनेज एम्प्लॉय। तो मैनेजर और एम्प्लॉय के दरमियान जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही है, टीचर और स्टूडेंट, स्टूडेंट और कोर्स, डॉक्टर और पेशेंट, कॉलेज और स्टूडेंट। मुख्तलिफ किस्म की रिलेशनशिप के जिसमें दो एंटिटी पार्टिसिपेट करती हो वो कहलाता है बाइनरी रिलेशनशिप। द नेक्स्ट वन इज बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप में दो एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि मैनेजर मैनेज करता है एम्प्लॉय को, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट कोर्स पढ़ता है, डॉक्टर मरीज को ट्रीट करता है। तो यहां पे दो एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है। जब एक एंटिटी पार्टिसिपेट करती हो वो यूनरी रिलेशनशिप है, जब वो रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान हो वो बाइनरी रिलेशनशिप होता है। बाइनरी रिलेशनशिप के कुछ टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज वन टू वन, सेकंड वन वन टू मैनी, थर्ड वन मैनी टू मैनी। यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं वन टू वन के जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप रखता हो वन टू वन रिलेशन कहलाता है। जैसे कि दो एंटिटीज हैं, द फर्स्ट वन इज कंट्री, सेकेंड वन इज प्रेजिडेंट। तो एक मुल्क का एक प्रेजिडेंट होगा और एक प्रेजिडेंट एक वक्त पे एक मुल्क का सरबरा होगा, तो ये वन टू वन रिलेशन है। सेकेंड वन इज वन टू मैनी के जब एक एंटिटी का एक इंस्टेंस दूसरे एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप रखता हो, लेकिन यहां का एक एंटिटी इस साइड पे एक एंटिटी के साथ रिलेट हो। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज का होगा।
इसके बाद है मैनी टू मैनी, कि जब एक एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस दूसरे एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप रखता हो, जैसे कि स्टूडेंट और कोर्स, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स पढ़ सकता है और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, तो स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी है। कॉलेज और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी है। कंट्री और प्रेसिडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू वन है। एंड द लास्ट वन इज अ टर्नरी रिलेशनशिप, कि जब थ्री एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हो किसी रिलेशनशिप में, जैसे कि अस्पताल, डॉक्टर, मरीज। अस्पताल में डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर मरीज को ट्रीट करता है। कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट कोर्स पढ़ता है। तो जब थ्री एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हो वो टर्नरी रिलेशनशिप कहलाता है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।